और जाकिर खान जयपुर से जिससे कि प्रेजेंट में एसएमएस पर मौजूद थे, एसएमएस के मौजूद थे, एसएमएस पर बाहर देखा कि हमने रोड पीडब्ल्यूडी के जो रोड है उनकी ये कंडीशन है जयपुर राजधानी के अंदर कि आने जाने वाले सभी राहगीरों को असुविधा का सामना करना पड़ता है, जबकि पीडब्ल्यूडी के रोड तो एकदम चकाचक होनी चाहिए, मगर राजधानी के अंदर रोडों की कंडीशन अगर देखी जाए आज के टाइम में तो इतनी बेकार कंडीशन है कि साधन वाले जितने भी राहगीर होने आने जाने वालों को सभी को असुविधा का सामना करना पड़ता है। जबकि एसएमएस राजस्थान का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, इसके लिए तो रोड एकदम चकाचक होना चाहिए, मगर यह देखा जा रहा है कि पीडब्ल्यूडी का जितने भी जो भी रोड है राजधानी के अंदर इतने क्षतिग्रस्त है कि प्रशासन ज़रा भी नज़रअंदाज नहीं कर रहा है इन चीज़ों के बारे में कि रोड किस तरह से क्षतिग्रस्त हुए पड़े, आने जाने वालों को किस तरह की असुविधा का सामना करना पड़ता है। जबकि पीडब्ल्यूडी राजधानी के अंदर अगर इस तरीके से रोडों का वातावरण पर पट्टी लगा के बैठता है तो बहुत दुखद की बात है कि राजधानी के अंदर रोडों की इस तरह की कंडीशन है। आज अगर देखा जाए जयपुर राजधानी के अंदर ऊपर से एसएमएस हॉस्पिटल राजस्थान का सबसे बड़ा हॉस्पिटल माना जाता है, जहां पर रोडों की ये कंडीशन जो हम आपको कैमरे के द्वारा दिखा रहे हैं, देखिए कि एसएमएस के रोड किस तरह से क्षतिग्रस्त हुए पड़े, मगर प्रशासन ज़रा भी अंदाज नहीं कर रहा इस चीज़ के बारे में कि रोडों की कंडीशन किस तरह से आज जयपुर राजधानी के अंदर पीडब्ल्यूडी के रोड है। जबकि ये इन चीज़ों पर तो पीडब्ल्यूडी को ध्यान देना चाहिए कि रोडों की कंडीशन बरसात होने से किस तरह से क्षतिग्रस्त हो जाती है, जिस पे आने जाने वाले सभी राहगीरों को आने जाने की असुविधा का सामना करना पड़ता है। जयपुर राजधानी के अंदर ये कंडीशन है आज पीडब्ल्यूडी के रोडों की, देखिए। जबकि प्रशासन को इन चीज़ों पर सचेत होनी चाहिए, बरसात से पहले सभी रोडों पर जितने भी गड्ढे वगैरह होते हैं सभी की रिपेयर होनी चाहिए, मगर आज राजधानी के अंदर ये हाल है कि एसएमएस के पास में रोडों की कंडीशन जो हम आपको दिखा रहे हैं इतने भयंकर तरीके से बिगड़े हुए हैं, जिसमें आने जाने वाले सभी राहगीरों को असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। मैं जाकिर खान जयपुर से, मेरे साथ कैमरामैन इस्माइल खान।